सोमवासर ममात्मन श्रुति स्मृति पुराणोत्तर फल प्राप्त्यर्थ कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध वाचक क्षय द्वारा धर्मार्थ मोक्ष प्राप्त्यर्थ सकल अभीष्ट कामना सिद्ध्यर्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थ अस्मिन् स्थाने संस्थाद्वयस्य राजकीय स्वनामधन्यस्य महाराज का नाम स्वनामधन्यस्य राजकीय महाविद्यालयस्य एवं ग्रामीण क्रीड़ा स्थलस्य स्टेडियम नाम धेयस्य आत्मनियम स्थानीय जलं समर्पयामि गंगणपते नमामि काये नमः शीतवातो संत्राणं लज्जायारक्षणं परं देहानां कल्याणं तथा शान्ति परक्षणे सूत्रं समर्पयामि सूत्रान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनियम जलं समर्पयामि काण्डा प्ररोहन्ति तरुखतरी एवानो दुर्गे प्रतनुसात्रेण सवेन नमः भिल्मिने च कवचिने च नमः कर्मिणे च वरुचिने च असुताय च सुखसेनाय च नमः कुन्दुभ्याय च एवं मान कबीरनाथ जी महाराज ग्रामीण स्टेडियम सिनानाथ के अवसर पर मन कर उपस्थित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का बीपीगंज में कन्या इंटर कॉलेज एक और स्थापित हो जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ महोदय एवं हम सब के संरक्षक परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज से महानिदेशक सचिन चौधरी जी जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्व माथुर जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस कैंपियर में विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों एक साथ दो बहुत बड़े कार्य इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर आज प्रदेश सरकार की ओर से मैं इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए भूमि पूजन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक ब्रह्मदेव वर्ष मेलाधीश्वर पूज्य महंत अभिदेनाथ जी महाराज के नाम पर राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना और दूसरा एक स्टेडियम का शिलान्यास। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मदेव गोरक्ष विधानेश्वर पूज्य महंत अभिदेनाथ जी महाराज इस क्षेत्र से 5 बार विधायक थे और 4 बार सांसद थे। जंगल कोड़िया विकास खंड का मुझे लगता है कोई गांव ऐसा नहीं था जहां के लोगों को व्यक्तिगत नाम से वे न जानते रहे हैं। 1957 से लेकर के 2014 तक इस क्षेत्र के लोगों का पूज्य महंत अभिदेनाथ जी महाराज से बहुत अटूट संबंध रहा और इसीलिए जब डिग्री कॉलेज की मांग यहाँ के लोगों ने की जंगल रसूलपुर चकिया से जंगल कौड़िया से यहाँ के प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी ने श्री गोरख सिंह जी ने श्री रमाकांत निषाद जी ने श्री कुलभूषण मिश्र जी ने कुलभूषण मिश्र जी और गंभीर यादव ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे यहाँ के ग्राम प्रधान ने सभी लोगों ने जब मांग की तो मैंने पिछली बार भी यहाँ पर कहा था जब मैंने जंगल कोड़िया में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्य
जब यहाँ जनरल पौड़िया की बात होती है तो यहाँ के नौजवानों, यहाँ के पहलवानों और यहाँ के दंगल और कुश्ती प्रतियोगिता के कार्यक्रमों की भी चर्चा होती है। मैं अक्सर जनरल पौड़िया की कुश्ती और दंगल के कार्यक्रम में बहुत बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए एक स्टेडियम यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि उस कुश्ती में बहुत भीड़ होती है, लोग जहाँ तहाँ खड़े होते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था मिल सके, साथ साथ अन्य खेल कूदों के लिए भी सड़कों पर बच्चों को न दौड़ना पड़े बल्कि स्टेडियम के अंदर उस प्रकार की पिच दी जाएगी जिसके लिए लोग जिसको भी प्रैक्टिस करना है स्टेडियम के अंदर ही लोग दौड़ सकेंगे। पुलिस ने, सेना ने, पैरामिलिट्री ने भर्ती हो सके और स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए भी व्यक्ति के लिए जो एक आवश्यक व्यायाम होते हैं उसके लिए भी हम लोग एक स्टेडियम यहाँ पर देने जा रहे हैं। एक साथ डिग्री कॉलेज की स्थापना और साथ ही साथ एक स्टेडियम का शिलान्यास